नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन, यानी एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा वर्गीकरण किया है। जैसे कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम की अगर हम बात करें तो लिनियस ने दिया था। प्राकृतिक वर्गीकरण कहेंगे बेंथम और हुकर ने। ठीक, जातवृत्ति इंग्लर और प्रांटन, संख्यात्मक वर्ग की, उसके बाद कोशिका वर्ग की और रसायन वर्ग की, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब आती बात शैवाल की। ठीक, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शैवाल। शैवाल क्लोरोफिल युक्त, सरल, थायलाइड, स्वपोषी तथा मुख्यतः कैसे जली, अजली में भी अलवणीय जल, यानी समुद्री जल होते हैं उसमें भी, और मतलब ये जो मृत जल होते हैं, जैसे जलाशयों के, जलाशय समझते, जैसे तालाब के, नदी के, झरने के, इस तरीके से जल उसमें भी और समुद्री जल में भी, यानी लवणीय तथा अलवणीय जल दोनों में भी पाए जाते हैं। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थर, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक यानी लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्लाथ, रिच समझते, भालू। ठीक है ना। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये कॉलोनी जैसे वॉल्वॉक्स, तंतुमय जैसे इलोथ्रिक, स्पायरोगायरा, देखिए बना हुआ यहाँ पे, इधर वॉल्वॉक्स का फिगर और इलोथ्रिक्स का फिगर बनाया गया है। ठीक ना, हो सकते हैं इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प क्या होते हैं, बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा करते हैं, कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा, स्पोर जिसको कहते हैं, ठीक ना, बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जो स्पोर होते हैं, इनमें कसाभिक का मतलब फ्लैजिला, ठीक ना, होता है। और ये चलाय मतलब मोटाइल, ठीक ना, चलते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक ना, इधर से उधर का मतलब ये नहीं कि इस शहर से उस शहर, ऐसा नहीं है, जहां जिस वातावरण में रहते हैं उसी में इधर उधर घूमते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। ये उग्मक कसाभिक युक्त यानी फ्लैजला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे कि इलोथ्रिक्स में, अथवा फ्लैजला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा में। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। असमयुग्मकी पहला क्या था? समयुग्मकी, जैसे कि यूडोरिना में की कुछ स्पीसीज में। विषम युग्मकीय लैंगिक जनन में एक बड़े अचल यानी अस्थानिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संगलित होता है, जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। तो ये पैराग्राफ रहा पूरा यहां से लेके यहां तक। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सवाल हम पढ़ रहे हैं, सवाल क्या होता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल युक्त होता है, पहले यानी क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल समझते हैं? ठीक है, नहीं समझते? पत्तियों में जो होता है ना, बड़े पौधों की पत्तियों में, ठीक, जो क्लोरोफिल होता है, तो इनमें पत्तियां तो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी? थैलाइड। थैलाइड का मतलब देखिए, क्लोरोफिल युक्त सरल सिंपल होते हैं। थैलाइड मतलब होता है इसमें नो रूट, आप लिख दीजिए नो, न रूट होगी यानी जड़ नहीं होगी, स्टेम तना नहीं होगा, एंड लीव्स कोई पत्तियां नहीं होंगी। ठीक है, न जड़ होगी न तना, तो फिर ऐसी ऐसी बॉडी की संरचना, जो ऐसी शारीरिक संरचना क्या कहलाती है? थैलाइड कहलाती है। स्वपोषी, स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। तथा मुख्यतः कैसे होते हैं? जलीय। मुख्यतः कैसे होते हैं? जलीय। मुख्यतः कैसे होते भैया? जलीय। अजलीय में अलवणीय जल में रहते हैं और साथ ही साथ समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये अन्य वास स्थानों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि नमयुक्त मिट्टी हो, पत्थर हो, लकड़ी हो, वहां पर भी पाए जाते हैं। कुछ संगठन में भी पाए जाते हैं। संगठन मतलब यानी इनका शैवाल का संगठन, अगर फंजाई से, जैसे फंजाई से संगठन करके क्या बनाते हैं? लाइकेन, है ना, एसोसिएशन होता है संगठन। और स्लाथ रिच, यानी रिच मतलब समझते भालू, है ना, इसको लिख दीजिए भालू। ठीक, शुद्ध शब्द लिख दिया गया रिच। ठीक, माप और आकार में भिन्नता होती है। जैसे कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स, कॉलोनी कौन बनाता है? वॉल्वॉक्स। तंतुमय जैसे कि इलोथ्रिक्स और इफायरा, फिलामेंटस इसको बोलते हैं, इसको कॉलोनियल, इसको फिलामेंटस अंग्रेजी में कहते हैं, इलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। बहुत विशालकाय भी हो जाते हैं कुछ, जैसे कि केल्प्स। ठीक, जैसे कि केल्प्स, इसको याद रखिए। जनन, कायिक जनन होता है, कायिक जनन में से विखंडन विधि द्वारा। विखंडन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। विखंडन का मतलब फ्रेगमेंटेशन, यानी प्रत्येक खंड से थैलस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रत्येक खंड से थैलस बन जाएगा। खंड खंड में काट दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक खंड जम करके क्या बना लेगा? थैलस बना लेगा। ठीक, लैंगिक जनन, लैंगिक अलैंगिक जनन, लैंगिक नहीं अलैंगिक जनन किससे?
विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु मतलब स्पोर, अंग्रेजी में इसको स्पोर कहते हैं। और युग्मक और स्पोर में अंतर होता है, ठीक है ना, युग्मक और स्पोर में अंतर होता है। ये ब्रायोफाइटा या ट्रोटोफाइटा जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, बीजाणुओं द्वारा यानी स्पोर द्वारा होता है। और जो प्रायः मुख्य स्पोर होता है वो जू स्पोर होता है। कौन सा होता है? जू स्पोर। और जू स्पोर कसाबिक यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं और चलायमान यानी मोटाइल। तो आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख दीजिए, जो जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड, लिखिए फ्लैजिलेटेड। अच्छा, फ्लैजिला पा जाएगा, ठीक, तो मोटाइल भी होगा। फ्लैजिला समझते हैं, एक हेयर लाइक सिलेंड्रिकल संरचना होती है। जैसे ये अगर इनका ये जो स्पोर मान लेते हैं, ये स्पोर है, तो इस पे इस तरीके से हेयर बाल की तरीके, ठीक है ना, जो बाल होते हैं इसी तरीके से संरचना होती है, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला अब इसके कारण ये क्या इधर उधर पानी में तैरते रहते हैं, इसलिए बोला गया मोटाइल होते हैं यानी चलायमान होते हैं। चलाय मतलब जो चलते हैं, ठीक है ना। अब ये इसी जू स्पोर में अंकुरण अगर हो जाए, क्या हो जाए, अंकुरण, तो पौधा बन जाता है। बस समझ में आ गई, फिर से देख लीजिए। सवाल, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल होते हैं, थैलाइड होते हैं, ठीक, नो रूट स्टेम लीफ इसमें कोई नहीं होती, सुपोषी तथा मुख्यतः जली अलवणीय जल तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। अन्य ये अन्य वास स्थान में भी पाए जाते हैं, जैसे कि नमयुक्त मिट्टी, पत्थर और लकड़ी में भी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि फंजाई के साथ संगठन करके लाइकेन बनाते हैं, और स्लाथ रिच पर भी पाए जाते हैं, ठीक, यानी भालू पर। माप और आकार में भिन्नता होती है, कॉलोनी बनाकर रहते हैं वॉल्वक्स, अतंतुमयी यानी फिलामेंट, अस्तंतुमय फिलामेंट, रॉड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, है ना। सरिया नुमा, सरिया मतलब वो नहीं, ये ठीक ना, सरिया समझते, रॉड इस तरीके से, तंतुमयी जैसे कि उसका यूरोथ्रेक्स का बनाया गया है, ठीक, उसमें सेल्स अलग अलग बनाई गई, इस तरीके से रहेगा। बहुत विशाल काय जैसे गल्प्स होते हैं। कायिक जनन किस होता है, विखंडन विधि द्वारा, कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा, प्रत्येक खंड थैलस बनाता है, प्रत्येक खंड थैलस बनाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा, अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा, प्राय किससे, जू स्पोर थे। जू स्पोर क्या होते हैं, कसाबिक एवं चलायमान। जू स्पोर कैसे होते हैं, कसाबिक एवं चलायमान होते हैं। जू स्पोर कसाबिक एवं चलायमान होते हैं। ऐसी जू स्पोर में अगर अंकुरण हो जाए तो क्या बन जाएगा, पूरा पौधा। इसको नोट कर लीजिए तुरंत। आगे चलते हैं, लैंगिक जनन, ठीक ना, लैंगिक जनन इसमें क्या होता है, दो युग्मकों का संलयन यानी दो युग्मक के संलयन द्वारा होता है। संलयन संगलन सोचते हैं, गैमिट का फ्यूजन, गैमिट कौन, युग्मक मीन्स होता है गैमिट, ठीक है ना, एक संरचना जिसके फ्यूजन से जायगोट बनता है, आपने पढ़ा होगा, है ना, जायगोट युग्मनज जिसको कहते हैं, युग्मनज बनता है ये जायगोट। ये देखिए दो टाइप का होता है युग्मक, युग्मक कितने टाइप का होता है, दो, एक मेल और एक फीमेल, यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ऐसे कह सकते हैं आप, नर युग्मक और मादा युग्मक, इनका संगलन, संगलन मतलब फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, इसको फ्यूजन कहा जाएगा, सिंगमी कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, है ना, ये सारी बातें एक ही, ठीक। अब ये दो युग्मक कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं कैसे, देखिए दो युग्मक कैसे हो सकते हैं, समयुग्मकी हो सकते हैं, कैसे, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और साथ ही साथ विषमयुग्मकी हो सकते हैं। देखिए समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी हो सकते हैं, विषम युग्मकी हो सकते हैं। समयुग्मकी का मतलब समान युग्मक यानी माप में समान, किसमें, माप में समान यानी आकार में क्या हो, एकदम समान हो, यानी दोनों युग्मक माप में समान होते हैं। और अगर कसाबिक माप में समान तथा कसाबिक, माप में समान तथा कसाबिक युक्त होंगे तो कहेंगे ऐसे युग्मक यूरोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। माप में समान और कसाबिक विहीन यानी नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, इसमें पूछा जाएगा दोनों युग्मक माप में समान होते हैं और कसाबिक युक्त होते हैं, बताइए वो किसमें होता है, तो आप कहेंगे यूरोथ्रिक्स में होता है। इस तरह से पूछा जाएगा दोनों युग्मक मतलब नर और मादा, कौन से युग्मक, नर और मादा यानी मेल और फीमेल गैमेट, सिमिलर इन साइज, माप में कैसे होते हैं, समान होते हैं, और कसाबिका विहीन यानी कसाबिक विहीन होते हैं, कसाबिक विहीन मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, तो क्या हो जाएगा आंसर, स्पाइरो गायरा, इसका एग्जांपल है स्पाइरो गायरा, यानी दोनों युग्मक माप में समान होते हैं और कसाबिक युक्त होंगे तो क्या होगा उसका आंसर, किसमें होता है ऐसा, यूलोथ्रिक, यूलोथ्रिक्स में, कैसा, यूलोथ्रिक्स में, एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स में, और माप में समान, दोनों युग्मक माप में समान और कसाबिक विहीन होंगे तो यानी नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो स्पाइरो गायरा। इसको बोलते हैं आइसोगैमेट, है ना, आइसोगैमस, इसको एन आइसोगैमस, इसको उगैमस अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक ना, तो आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, इसको आइसोगैमस, इसको एन आइसोगैमस, उसको उगैमस, ठीक। इसमें दोनों युग्मक क्या होते हैं, विभिन्न माप के होते हैं
यानी माप इनका अलग अलग होता है। एग्जाम्पल किसमें होता है, ये कहेंगे यूडोरिना में। आपसे पूछा जाएगा यूडोरिना में क्या होता, तो आप कहेंगे असम युग्मकी होता है। ठीक, विषम युग्मकी यानी नर युग्मक अलग और मादा युग्मक पूरी तरह से अलग। नर युग्मक छोटा होता है और चलायमान होता है। कैसा होता है? नर युग्मक छोटा एवं चलायमान, और मादा युग्मक बड़ी, यानी मादा युग्मक बड़ा या बड़ी जैसा आप पढ़ना चाहें, बड़ा होता और अचल होता यानी स्थिर। कैसा? स्थैतिक या स्थिर लिख दीजिए, ठीक ना, स्थिर, एक जगह चुपचाप बैठी रहेगी। ठीक, किस इस तरीके के युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में। किसमें? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। बात समझ आ रही? ठीक, अगला पैराग्राफ है, शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। मनुष्य के लिए शैवाल कैसे उपयोगी है आगे बता रहे हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। ठीक, ये तो हो गई पहली बात। आगे बता रहे, प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। आगे बताया जा रहा, पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सर्गासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक, अब देखिए यहां पर एक चीज और, कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक, ठीक है ना, अब यहां पे लिखा है ना कैरागिन, अब यहां से सेंटेंस गलत है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहां से अलग। ठीक, आप ये लिखा ना शैवाल बहुत ही अधिक, बहुत ही कार्य, यहां पे काटिए, अब इसको ऐसे लिखिए, कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल, ठीक, एलगिन ब्रैकेट में भूरे, एलगिन लिख के लिखिए ब्रैकेट में भूरे, तथा कैरागिन लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं। ठीक ना, यानी एलगिन का उत्पादन भूरा शैवाल और कैरागिन का उत्पादन लाल शैवाल करता है, ठीक ना, रेड एलगी से होता है। ठीक, ये गलत, ये लाइन यहां से सही कर लीजिए, इसमें लिखिए कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक हाइड्रोक्लोराइड्स निकालते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में लिख देंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है, क्या उत्पादन करते हैं। ये गलत है, गलत इसलिए है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया हिंदी में, कहीं कहीं बहुत कुछ छोड़ दिया गया, बहुत पिछले चैप्टर्स में जैसे हमने बताया था इस तरीके से इसमें भी छूटा हुआ है जगह जगह, हम सही करा दे रहे हैं, आप इसको सही कर लीजिए। जिनका व्यावसायिक उपयोग होता, आगे बता रहे, जिलेडियम और ग्रेसिल एरिया से अगार यानी एगार, ठीक, प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना, अब देखिए ये स्पाइरुलिना शब्द हिंदी में लिखा, इंग्लिश वाले में नहीं छापा गया, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए स्पाइरुलिना, एक कोशिक शैवाल है, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन, हाई कंटेंट वैल्यू होती है इसकी, यहां तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल तीन प्रमुख मार्गों में विभक्त किया गया, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी। तो दूसरे पैराग्राफ में है कि मनुष्यों के लिए शैवाल की उपयोगिता, मनुष्यों के लिए शैवाल की उपयोगिता क्या है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण जो के दौरान, प्रकाश संश्लेषण होता है, चूंकि ये क्लोरोफिल युक्त है इसलिए भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन और O2 का रिलीज, O2 का एमिशन यानी स्थिरीकरण, किसका, CO2 का स्थिरीकरण होता है और O2 का निकलना होता है, ठीक है, निष्कर्षण होता है उसका, इसका स्थिरीकरण और उसका निष्कर्षण, निष्कर्षण ना कहिए बल्कि अब इसके निष्कासन कहिए ज्यादा सही रहेगा। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत CO2 का लगभग आधा भाग, कितना भाग, लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं, यानी पौधे क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को अवशोषित करते हैं और O2 को निकालते हैं, तो पूरे जितने पृथ्वी पर CO2 है उसका लगभग आधा भाग शैवाल खुद जो है अवशोषित कर लेते हैं। उसी को कहा जा रहा है कि से शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं, किसको, CO2 को, किस, लगभग आधा भाग, ठीक ना। आ जाइए, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जब प्रकाश संश्लेषी होंगे तो ये क्या करेंगे, अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन, घुलित मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, अंग्रेजी में कहा जाए तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आगे बताया जा रहा है, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यहां लिख दीजिए ऊर्जा, ठीक है, क्या होते हैं, ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तथा जलीय प्राणियों के लिए खाद्य, जो जलीय प्राणी समझते हैं जैसे मछलियां हो गई और भी जलीय जीव, उनके लिए क्या बनाते हैं, खाद्य चक्र, खाद्य चक्र समझते हैं,
फूड साइकिल अंग्रेजी में कहा जाता है। जब आप पारिस्थितिकी विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर इसको पढ़ने को मिलेगा, फूड साइकिल और फूड वेव और फूड यानी खाद्य चक्र और खाद्य जाल, इस तरीके से वहां पढ़ने को मिलेगा। तो खाद्य चक्रों का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है ना, जलीय जीवों के खाद्य चक्रों का महत्वपूर्ण आधार है। क्यों आधार है महत्वपूर्ण? क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा के उत्पादक है, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक हैं, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। 70 समुद्री प्रजातियों, यानी अगर सवाल की 70 समुद्री प्रजाति अगर खोजी गई है, उनमें से 3 ऐसी हैं, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगासम। यानी 70 समुद्री प्रजातियों में से पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। किसमें? भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। फिर से देख लीजिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी लैंगिक जनन के पीछे वाले स्था पैराग्राफ से। दो युग्मक यानी कौन से, नर युग्मक और मादा युग्मक में संगलन होता है। ये नर दो युग्मक कैसे हो सकते हैं? समयुग्मकी हो सकते हैं, असमयुग्मकी होते हैं, समयुग्मकी हो सकते हैं। दोनों युग्मक माप में समान होते हैं और फ्लैजिलेटेड हो यानी कसाबिक युक्त हो तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक्स, और कसाबिक विहीन हो तो बोलेंगे स्पायरोगायरा। असमयुग्मकी यानी दोनों युग्मक विभिन्न माप के हो तो बोलेंगे ये कैसे होते हैं, असमयुग्मकी। बोले एग्जाम्पल कहेंगे यूडोरिना। विषम युग्मकी कहेंगे नर युग्मक छोटा एवं चलायमान, यानी छोटा का मतलब स्मॉल एंड मोटाइल। मादा युग्मक बड़ा एवं अचल यानी स्थिर तत्व, वाल्वक्स और फ्यूकस में। मनुष्य के लिए सवाल कैसे उपयोगी? तो कहेंगे पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितना CO2 का स्थिरीकरण होता है उसका लगभग आधा भाग सवाल स्थिर करते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषी होने के कारण अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक हैं तथा जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का महत्वपूर्ण आधार हैं। 70 समुद्री प्रजातियों में से पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम, ये भोजन के रूप में उपयुक्त होती है, उपयोग की जाती है, ठीक। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला उपयोग है कि समुद्री लाल, जो लाइन गलत थी उसको सही कर लीजिए। समुद्री लाल तथा भूरे शैवाल बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड मतलब जल संचयी पदार्थ, ये जल को अवशोषित करके रखने वाला पदार्थ होता है, ठीक है ना। यानी किससे कहेंगे, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, यानी लाल शैवाल और भूरे शैवाल से बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड निकाला जाता है। जैसे कौन, एल्गिन, क्या है ये, हाइड्रोक्लोराइड है। किससे निकालता, कहेंगे ब्राउन एल्गी से। कैसे, ब्राउन एल्गी से, एल्गिन ब्राउन एल्गी। कैरारारा, देखिए कैरारा कैरागिन, यानी रेड एल्गी से, कैरा रेड एल्गी से, कैरा रेड एल्गी से, कैरागिन रेड एल्गी से, ठीक है ना। अगार किससे निकाला था, कहेंगे जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। अगार किससे, जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, अगार जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, अगार जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, अगार जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, ठीक है ना। अगार किससे निकाला था, जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। एल्गिन ब्राउन एल्गी से, कैरागिन रेड एल्गी से, ठीक है ना, बार बार याद करना पड़ता है। कहेंगे अगार कहाँ यूज होता है, कहेंगे सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, है ना, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन संवर्धन में, यानी कल्चर करते इसे, संवर्धन में होता है कल्चर में, ठीक है ना। आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, ठीक है। एक कोशिक शैवाल जैसे कि क्लोरेला, जैसे कि स्पायरुलिना, एक कोशिक शैवाल जैसे क्लोरेला और स्पायरुलिना, इसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में होती है। अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, लिखा ना, यहां तक कि अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। फिर से देखिए, समुद्री लाल तथा भूरे शैवाल बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन करते हैं। कौन लोग करते हैं, कहेंगे समुद्री लाल तथा भूरा शैवाल, समुद्री लाल तथा भूरा शैवाल बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन करते हैं। ये क्या है, कहेंगे जल संचयी पदार्थ है। एल्गिन ब्राउन एल्गी से, कैरागिन रेड एल्गी से, एल्गिन ब्राउन एल्गी से, कैरागिन रेड एल्गी से, ठीक। यानी एल्गिन भूरे शैवाल से, कैरागिन लाल शैवाल से, अगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है। क्या कहां यूज होता है, कहेंगे सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में। एक कोशिक शैवाल जैसे कि क्लोरेला और स्पायरुलिना, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है और अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। अब अगली हेडिंग है क्लोरोफाइसी, चला इसको देखते हैं। जो क्लास है ये पहली क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी लिखा है विभक्त किया गया प्रमुख भागों में क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग कैसा होता है, हरी घास की तरह होता है। वर्णक यानी जो क्लोरोफिल ए और बी है, ये क्या है, वर्णक है। ये वर्णक कहाँ पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप का हो सकता है, प्लेट की तरह हो सकता है, जालिकाकार हो सकता है, कप के आकार का हो सकता है, सर्पिल तथा रिबन, रिबन मतलब समझते हैं, फीताकार हो सकता है। इसके अधिकांश सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में
एक अथवा एक से अधिक पायरेनॉइड होते हैं, है ना, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, एक अथवा एक से अधिक पायरेनॉइड होगा। अब पायरेनॉइड होते क्या है, पायरेनॉइड स्टार्च प्लस प्रोटीन होते हैं। जहां लिखा है ना सिर्फ स्टार्च, उसी के ऊपर एरो बना के लिख दीजिए प्रोटीन साथ में, एवं प्रोटीन होते हैं, स्टार्च प्लस प्रोटीन दोनों होता है उसमें, ठीक। कुछ शैवाल में तेल बोधक के रूप में भोजन संचय, तेल बोधक मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भोजन का संचय होता है, ठीक। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। आगे बता रहे हैं, कायिक प्रजनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर, लिखा ना ब्रैकेट में स्पोर यानी बीजाणु के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजलेटेड युक्त यानी फ्लैजला युक्त जू स्पोर से होता है। जू स्पोर कहाँ बनता है, कहेंगे जू स्पोरेंजिया में, जिसको बोलते बीजाणुधानी। कैसे बीजाणुधानी, चल बीजाणुधानी में होता है, ठीक। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाएं, लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं, अलैंगिक कोशिकाएं कौन, वही गैमेट यानी युग्मक की बात कर रहे हैं। लैंगिक कोशिका क्या होती है, युग्मक की बात कर रहे हैं, के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इनके सामान्य सदस्य क्लेमाडोमोनास, वालवाक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा होते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको नोट करके लिख लेते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बताया जा रहा है प्रायः क्या कहते हैं इसको, हरी शैवाल या हरा शैवाल, क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल। ये एक कोशिक भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी हो सकते हैं और तंतुमय भी हो सकते हैं। अगर एक कोशिक का पूछा जाए तो कहेंगे इसका एग्जाम्पल है, देखिए क्लोरेला, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरेला। कॉलोनी बना के पूछा जाए तो कहेंगे वॉलवॉक्स रहता है इस तरीके से, और तंतुमय कहेंगे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ठीक। आगे बता रहे हैं रंग इनका कैसा होता है, हरी घास की तरह एकदम हरा हरा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं। और ये वर्णक कहां पाए जाते हैं, कहेंगे सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में, किसमें, सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में। भैया क्लोरोप्लास्ट होता उसमें होता क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्या है, वर्णक है, क्लोरोफिल ए बी सी इस तरीके से, है ना, डी इस तरीके से इनका नाम होता है, ठीक। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक प्रभावी होते हैं, और ये कहां पाए जाते हैं, सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट का आकार बताया जा रहा है कि डिस्क से प्लेट हो सकता है, प्लेट की तरह हो, जालिकाकार हो, कप की तरह हो, या फिर सर्पिल हो, या फिर रिबन की तरह हो। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कहेंगे एक या एक से अधिक पायरेनॉइड होते हैं, एक या एक से अधिक पायरेनॉइड होते हैं। अब पायरेनॉइड में क्या होता है, स्टार्च प्लस प्रोटीन, स्टार्च प्लस प्रोटीन। आगे चलते हैं, हरे शैवाल की कोशिका भित्ति कैसी होती है, कठोर होती है, और एक कोशिका भित्ति बाहरी सतह सेलुलोज की बनी होती है और भीतरी सतह पेक्टोज की। कोशिका भित्ति की बाहरी सतह सेलुलोज की, भीतरी सतह पेक्टोज की बनी होती है, कोई दिक्कत नहीं। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो कायिक, कायिक में विखंडन द्वारा, या फिर विखंडन मतलब तंतु के टूटने से, या फिर विभिन्न बीजाणुओं से। अलैंगिक जनन यानी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर मतलब चलायमान जू स्पोर से। और ये जू स्पोर कहाँ बनते हैं, कहेंगे जू स्पोरेंजिया में, जू स्पोरेंजिया का मतलब चल बीजाणुधानी, किसमें, चल बीजाणुधानी, है ना, ऐसा लग रहा ना, चल बीजाणु राजधानी है ऐसा, अगर चल बीजाणुधानी में जू स्पोर बनते हैं, ठीक। और ये फ्लैजला, इसका देखिए चार्ट में बताया गया है, तालिका जो बनाई गई है सारणी, उसमें कहा जा रहा है कि ये 2 से 8 समान और शीर्ष होते हैं, 2 से 8 समान और शीर्ष पर होते हैं, मतलब ये अगर गैमीट है तो ये देखिए 1 समान 2 से लेके 8 तक हो सकते हैं, ठीक। 2 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, यानी इस तरीके से अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। ये गैमीट इस पे इस तरीके से देखिए 1 2 से लेके 8 तक एपिकल, एपिकल मतलब एक ही जगह से पूरा शीर्ष पर निकले रहेंगे। फिर से देख लीजिए, क्लोरोफाइसी हम पढ़ रहे हैं, प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक यानी क्लोरेला, कॉलोनी यानी वॉलवॉक्स बना, जैसे वॉलवॉक्स का किताब में फिगर भी बना हुआ है ना, कॉलोनी वॉलवॉक्स, तंतुमय, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। रंग इनका हरी घास की तरह होता है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि विकास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल वर्णक प्रभावी होते हैं। और ये पाए कहां जाते हैं, सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का आकार डिस्क शेप, जालिकाकार, कप, रिबन और सर्पिल हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरेनॉइड होते हैं जिसमें स्टार्च प्लस प्रोटीन होते हैं। हरे शैवाल की कोशिका भित्ति कठोर होती है, बाहरी सतह सेलुलोज की, बाहरी सतह सेलुलोज की, बाहरी सतह सेलुलोज की, और भीतरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन जनन की हम बात करें तो कायिक विखंडन विधि द्वारा,
विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं से, अलैंगिक फ्लैजेलेटेड जूस्पोर से, जूस्पोर जूस्परंजियम बनेगा। जूस्पोर कहां बनेगा? जूस्परंजियम यानी चल बीजाणु में बनेगा। दो से आठ इक्वल और एपिकल फ्लैजेला होंगे। ये फ्लैजेला कैसे होंगे? दो से आठ इक्वल और एपिकल, ठीक, समान और शीर्ष पर। इतना नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। लैंगिक जनन, चलिए लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विभिन्न लैंगिक कोशिकाओं द्वारा, ये लैंगिक कोशिकाएं क्या हैं? युग्मक ही तो हैं, यानी गैमिट ही तो हैं। जो नर मादा यानी मेल और फीमेल गैमिट ही तो हैं, यानी उन्हीं से होगा। और जब नर मादा गैमिट की बात कर रहे थे तो अभी परिचय में हम लोग पढ़े थे कि ये समयुग्मकी यानी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और उगैमस टाइप के हो सकते हैं। समयुग्मकी फ्लैजिलेटेड होंगे यानी फ्लैजिलायुक्त होंगे, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला विहीन होंगे, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पायरोगायरा। असमयुग्मकी कौन से होते हैं? यूडोरिना। असमयुग्मकी कौन होते हैं? कहेंगे यूडोरिना। एन आइसोगैमस को बोला जाएगा, कहेंगे यूडोरिना की कुछ स्पीसीज। विषमयुग्मकी वाल्वॉक्स, विषमयुग्मकी वाल्वॉक्स। फ्यूकस क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये क्लोरोफाइसी हम पढ़ रहे हैं। फ्यूकस किस में आता है? फियोफाइसी में आता है, ठीक है ना। कुछ उदाहरण दिए हैं जैसे क्लेमडोमोनास वाल्वॉक्स यूरोथ्रिक्स स्पायरोगायरा कायरा कारा। क्लेमडोमोनास वाल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा 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 कारा। ये किसमें आते हैं? क्लोरोफाइसिन। किसमें? क्लोरोफाइसिन, ठीक। द्विलिंगी, कारा के लिए स्पेशल बात लिखनी है। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या इसी को बोलते हैं क्या, देखिए उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी का मतलब होता है मोनो ईसीएस, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मोनो ईसीएस कहते हैं, ठीक है ना, मोनो ईसीएस। इसमें क्या होता है? नर तथा मादा लैंगिक अंग एक ही पौधे में होते हैं। नर तथा मादा लैंगिक अंग एक ही पौधों में, एक ही पौधों में होते हैं, एक ही पौधे में होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उभय लिंगाश्रयी या फिर द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल या फिर मोनो ईसीएस। ये देखिए कारा बनाया गया, ठीक है ना, कारा। जब आप ट्वेल्थ की बुक उठाकर देखेंगे तो कारा का स्ट्रक्चर ऐसे बना है, फिर उसमें कुछ स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाया गया इस तरीके से। और ऊपर इसमें होता है उगोनियम, देखिए ऊपर क्या, उगोनियम, ऊपर उगोनियम, जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, हिंदी में कहेंगे अंडधानी। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अंडधानी। और नीचे जो होता है वो होता है देखिए एंथिरिडियम, जिसको बोलते हैं पुंधानी, यानी ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यानी लैंगिक जनन में विभिन्न लैंगिक कोशिकाओं द्वारा, यानी युग्मक कहते हैं उसको, नर और मादा युग्मक हो सकते हैं। समयुग्मकी फ्लैजिलेटेड होगा तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो स्पायरोगायरा, ठीक। असमयुग्मकी यूडोरिना में होता है, विषमयुग्मकी वाल्वॉक्स में होता है। एग्जांपल है इनके क्लेमडोमोनास वाल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा कारा। कारा की खास बात है कि मोनोइसियस होते हैं यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, इसे यानी द्विलिंगी होते हैं, यानी कि दोनों अंग नर और मादा, देखिए यहां बनाया गया नर और मादा एक ही पौधे में बनाया गया, एक ही पौधे में पाए जाते हैं। ये कारा का स्ट्रक्चर है। अब ट्वेल्थ के ऊपर होता है उगोनियम यानी अंडधानी, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, मादा लिंग अंग, मादा लैंगिक अंग, यहाँ पे इसको बोलते क्या, नर लैंगिक अंग, ठीक, लैंगिक अंग बोलते इसको, ठीक है ना। नर जनन तंत्र भी कह सकते हैं, तंत्र नहीं कहेंगे, सिर्फ उतना ही कहिए, ठीक है। नीचे होता है एंथिरिडियम। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए पूरा पूरा। क्लोरोफाइसी प्राय हरा शैवाल कहते हैं, एक कोशिक भी हो सकते हैं, तंतुमय भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी बना के रख सकते हैं। एक कोशिक का क्लोरेला एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉलोनी का एग्जाम्पल वाल्वॉक्स, तंतुमय का यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। हरे रंग के होते हैं, कैसे? हरे रंग के, हरी घास की तरह एकदम बिल्कुल इनका रंग होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रभावी होता है वर्णक। ये वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का जो आकार होता है वो कप शेप का हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, और साथ ही साथ डिस्क का होता है, प्लेट का शेप का होता है, रिबन के शेप की तरह हो सकता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से पायरेनाइड होते हैं, पायरेनाइड में स्टार्च प्लस प्रोटीन होता है, कुछ में तेल बोधक के रूप में, हाँ ये लाइन छुट्टी है उसको लिख लीजिएगा, कि कुछ में जो भोजन होता है आयल ड्रॉपलेट यानी तेल बोधक के रूप में संचित होता है। हरे सवाल की जो कोशिका भित्ति वो तो कठोर होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टोस की, यानी बाहरी सतह, यानी इसकी जो बाहरी सतह है, भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोस की बनी होती है। इसमें क्या लिखा हुआ जरा एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिए वहां क्या लिखा था, भीतरी सतह सेलुलोज की, उसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा पीछे वाला, अभी आपने जो नोट किया उसमें भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है, भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की, उल्टा हो गया उसको सही जरूर कर लीजिएगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो गया उसको सही कर लीजिएगा, लिखने में हो गया, ठीक है ना। काय जनन प्राय तंतु के टूटने से होता है,
ठीक अलैंगिक विभिन्न प्रकार के अथवा बीजाणुओं से अलैंगिक फ्लैजेलेटेड जो स्पोर्स है, 2 से 8 समान शीर्ष वाले फ्लैजेला होते हैं, इसमें जो स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनते हैं। लैंगिक जनन विभिन्न लैंगिक कोशिकाओं यानी कि युग्मक जो नर और मादा युग्मक होते हैं इनसे होता है। समयुग्मकी यानी फ्लैजेलेटेड या नॉन फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं। समयुग्मकी फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक और नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल है स्पायर वगैरह। असमयुग्मकी होते हैं क्या यूडोरिना, अभी समयुग्मकी हो जाएंगे वाल्वॉक्स, एग्जाम्पल क्लेमडोमोनास वाल्वॉक्स है ना, कारा क्लोरेला स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स सब इसके एग्जाम्पल है। कारा के लिए बताया गया ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगी नहीं उभयलिंगाश्रयी यानी द्विलिंगी, नर और मादा लैंगिक अंग एक में, ऊपर उगोनियम नीचे एंथ्रिडियम, ऊपर उगोनियम अंडधानी नीचे पुंधानी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा रहेगा लेक्चर फियोफाइसी तथा रूडोफाइसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, मैंने से पढ़ते रहिए, इसको याद करते रहिए।